जब हम लोग पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, हम लोग अच्छी चीज़ें सोचते हैं, तो आप लोगों ने ये फील किया होगा, ये महसूस किया होगा कि आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी आ जाती है। आप जो काम करना चाह रहे थे, जो भी आपने मन में सोचा था, आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हो और इवन आप वो काम भी करने की हौसला रखने लग जाते हो जो काम शायद आपको कभी इम्पॉसिबल लगता हो। तो पॉजिटिव सोच का या अच्छी सोच का ये फ़ायदा होता है कि आपके अंदर एक नई एनर्जी का डेवलपमेंट होता है। लेकिन उसी तरीके से अगर आप कॉन्स्टेंटली लगातार नेगेटिव चीज़ों को सोचते हो, आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी हुई होगी, कुछ गलत चीज़ें हुई होंगी, आप उन्हीं के बारे में लगातार सोचते हो, तो फिर क्या होता है, आप देखते हो कि आपकी एनर्जी लेवल में कमी आ जाती है, आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है, जो कैपेबिलिटी है, वो कम हो जाती है। आप एक सिंपल सा काम करने में भी हिचकिचाते हो, आप अपने आप को लेज़ी सुस्त महसूस करते हो, आप काम को टालने की कोशिश करते हो। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो नेगेटिव विचार है, वो आपकी एनर्जी का लेवल डाउन कर देते हैं और एक सिंपल सी चीज़ भी आपको करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव रखना बेहद ज़रूरी है। अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे जो भी आपके लाइफ के मोमेंट्स हैं, उनको याद करना ज़रूरी है। जब तक आप ये अच्छे वाले पल अपने पास नहीं रखेंगे, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी। अदरवाइज नेगेटिव थिंकिंग से आपकी एनर्जी हर पल हर सेकंड कम होती जाएगी। और वैसे भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 24 आवर्स हम पॉजिटिव ही रहें या बिल्कुल भी नेगेटिव ना होए, वो एक लाइफ का प्रोसेस है। कभी पॉजिटिव भी होंगे, कभी नेगेटिव भी होंगे, इसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते क्योंकि लाइफ का सर्कल ही ऐसा है। लेकिन मैं कह क्या रहा हूँ कि अगर हम लोग कभी फ्री टाइम है और हमें कोई नेगेटिव थिंकिंग आके हमारी एनर्जी को ख़त्म कर रही है, तो हमें अपना ध्यान वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करना है, अपना ध्यान वहाँ से हटाना है और उन पलों को सोचना है जब हमारे साथ अच्छा हुआ था, जब हमें एक अच्छी खुशी मिली थी। पॉजिटिविटी को अपने पास ज़्यादा करेंगे तभी तो नेगेटिविटी का इम्पैक्ट कम से कम होगा। तो इसीलिए कभी भी लाइफ में नेगेटिव थिंकिंग आए, आने दो, लेकिन उसको दबाने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको आपको पॉजिटिविटी से ही आप मैनेज कर सकते हो। तो पॉजिटिविटी को करना, लेकर आना लाइफ में बेहद ज़रूरी है।